हम सबको कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। मेरा वोट आज है लेकिन मुझे 10 बजे के बाद ही यहाँ से छुट्टी मिलेगी, तब जाके दिन में वोट करूंगा। आज गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग हो रही है, पश्चिमी यूपी की वो सीट है, उसके बाद मैंने भी वोट नहीं डाला है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने दिखा देते हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमारे सामने हैं। सीपी जोशी साहब चित्तौड़गढ़ राजस्थान से उन्होंने वोट डाला है सुबह। त्रिशूर केरल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुरेश गोपी, जो कि जाने माने फिल्म एक्टर भी हैं मलयाली फिल्मों के, उन्होंने वोट डाला है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, उन्होंने बेंगलुरु में आज वोट डाला है, उनकी तस्वीर आपके सामने है। झालावाड़ राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने वोट डाला है, उनके बेटे दुष्यंत वहां से चुनावी मैदान में है। बुलंदशहर यूपी की तस्वीरें आपके सामने हैं और तिरुवनंतपुरम केरल से भी बीजेपी के नेताओं ने वोट डाला है, मुरलीधरन साहब ने। और इसी सीट पर शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला भी है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है सुबह की तस्वीरें देखने के बाद कि नेताओं की कोशिश ये है कि जनता के बीच एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए वोटिंग को लेकर। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी नेता लोग सुबह सुबह उठकर बाहर आए हैं वोटिंग करने के लिए, और ये निर्मला सीतारमण इस समय अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान बूथ पर पहुंची है। यहां पर तमाम नेताओं की, तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनकी कोशिश ये है कि जनता के बीच वोटिंग को लेकर एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश जाए, और वो वोटिंग के लिए सबसे पहला काम अपना वोटिंग को माने। सुमित, और सबसे अच्छी बात इन तस्वीरों की यह है कि कोई भी वीवीआईपी नहीं है। ये तस्वीर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की है, केंद्रीय मंत्री इस वक्त जोधपुर से मैदान में है। पिछली बार इन्होंने ही अशोक गहलोत साहब के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर में हराया था, जो इस बार सीट बदल कर चले गए हैं यहाँ से। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ही मुकाबले में है। जो बात मैं कह रहा था वो ये कि कोई भी वीवीआईपी की फीलिंग नहीं है, कोई कितना बड़ा भी नेता शख्सियत क्यों ना, वो आम व्यक्ति की तरह क्यों में लगकर आ रहा है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी वोट डालने के मामले में एक है और एक अपनी उंगली से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है और ताकत दिखाता है नई सरकार नया नुमाइंदा चुनने में। जी बिल्कुल, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो सेकंड फेज खत्म हो जाएगा चुनाव का, तो जो 543 सीटें हैं उसमें से एक तिहाई सीटें यानी कि 189 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और बाकी के 5 चरणों में बाकी की सीटों पर मतदान होगा। और आज का जो चरण है अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो एनडीए का पलड़ा इस चरण में भारी है, जबकि पिछले चरण के अंदर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी था।